हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म। सो फ्रेंड्स, वेज शेप्ड फिल्म के लिए अभी तक हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट जो डिफरेंस है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। सो उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पर मैं करूँगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो पर आइए। फ्रेंड्स, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इसके आंसर की तरफ। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस डायग्राम को। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बेसिकली एक वेज शेप फिल्म है जिसका इंक्लिनेशन एंगल है अल्फा। सो यहाँ पर जो टी एन एंड टी एन प्लस वन है वो बेसिकली थिकनेस है वेज शेप फिल्म के एट एंथ ब्राइट फ्रिंज एंड एट एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्राइट फ्रिंज कंसीडर कर रहा हूँ। आप चाहेंगे तो इसे डार्क फ्रिंज कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि पार्ट डिफरेंस का क्या एक्सप्रेशन होगा अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि 2 μ t cos ऑफ अल्फा प्लस आर प्लस लैम्बडा बाई टू, ये पार्ट डिफरेंस था और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एन टाइम्स लैम्बडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर मैं टी को टी एन पुट कर दूँ तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर एंथ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब इसके बाद मतलब एंथ ब्राइट फ्रिंज पे पाथ डिफरेंस का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो 2 μ t देन टी एन की जगह मुझे लिखना पड़ेगा, 2 μ देन टी एन की जगह लिखना पड़ेगा टी एन प्लस वन देन कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी एंगल इंसिडेंट हो रहे हैं सब मोनो पैरेलल हैं, जितने मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स लाइट की बीम इंसिडेंट होगी सब पैरेलल है, इसलिए सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा, इसलिए सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए एंथ ब्राइट फ्रिंज एंड एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज में मैं आर को सेम रख रहा हूँ। मुझे अगर आप समझ रहे हैं, अगर फ्रेंड्स मैं पैरेलल लाइट इसके ऊपर गिराऊँ तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, सेम। इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा सबका जो मैं नॉर्मल से मेजर करूँगा वो सबके लिए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें ऐड करूँगा लैम्बडा बाई टू। अब यहाँ पे दोनों में लैम्बडा सेम है, क्यों, क्योंकि सेम लाइट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर एंथ ब्राइट फ्रिंज के लिए एंड एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस की फॉर्मूला लिखूँ तो इस एन की जगह क्या पुट करेंगे, एन प्लस वन इंटू लैम्बडा। सो अब देखिएगा, यहाँ पर इस कॉर्नर का नाम मैं ओ दूंगा और इसका नाम सपोज ये ए है, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो अगर आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ओ ए बी, देन इसके अंदर टेन अल्फा की फॉर्मूला क्या होगी, टी एन अपॉन एक्स एन। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आप ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ देन सी डी, सो इसके अंदर अगर मैं टेन अल्फा की फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे मिलेगा अपोजिट साइड देखिए क्या है, टी एन प्लस वन, देन एडजेसेंट साइड क्या है, एक्स एन प्लस वन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखेंगे कि टी एन इज इक्वल टू टेन अल्फा टाइम्स एक्स एन, और इस एक्सप्रेशन से आप देखेंगे टी एन प्लस वन इज इक्वल टू टेन अल्फा टाइम्स एक्स एन प्लस वन। सो फ्रेंड्स, ये दोनों जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा टी एन एंड टी एन प्लस वन की जगह। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा मुझे, 2 μ, देन टी एन की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स एन टेन अल्फा देन इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर देन प्लस लैम्बडा बाई टू इक्वल्स टू एन लैम्बडा। सिमिलरली फ्रेंड्स, टी एन प्लस वन की जगह ये इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 μ देन एक्स एन प्लस वन इंटू टेन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर प्लस लैम्बडा बाई टू। फ्रेंड्स, इस लैम्बडा को इनसाइड लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, एन लैम्बडा प्लस लैम्बडा। सो अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सो आप देखेंगे 2 μ देन टेन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। सो जब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एन लैम्बडा भी कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, लैम्बडा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रिंज विड्थ पूछा गया है, यानी दो फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये एंथ फ्रिंज है, ये एन प्लस वन फ्रिंज है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है जो है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। सो इसे मैं ले लेता हूँ बीटा, तो बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रेंड्स, ये दिख रहा है आपको, यही तो है फ्रिंज विड्थ। यहाँ पे मैं बीटा पुट करूँगा सो मुझे बीटा का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, लैम्बडा डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दैट इज 2 μ टेन अल्फा
देन इनटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर। तो फ्रेंड्स जरा देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो देखिए लैम्बडा कांस्टेंट है ना, देन टेन अल्फा भी कांस्टेंट है, जो म्यू है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि बीच में मीडियम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे सभी तो आर भी तो कांस्टेंट ही है क्योंकि मैंने बताया पैरेलल लाइन है। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही कांस्टेंट है ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए फ्रिंज विड्थ देयरफॉर बीटा इज कांस्टेंट, बीटा क्या है कांस्टेंट है, यानी कि फ्रिंज विड्थ जितने भी मिलेंगे आपको वेज शेप्ड फिल्म में वो कांस्टेंट होगी। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं प्रूव दैट फ्रिंजेस फ्रिंज विड्थ इन वेज शेप्ड फिल्म इज कांस्टेंट और ऑफ इक्वल विड्थ। ओके सो फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर ये बोलना होगा कि भाई लैम्बडा भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, टेन अल्फा भी कांस्टेंट है, कॉस अल्फा प्लस आर भी कांस्टेंट है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए फ्रिंज विड्थ क्या होगा कांस्टेंट होगा। कुछ इसमें हम स्पेशल केस ले सकते हैं, जैसे बुक्स में कुछ दिया हुआ है कि अगर ये बीच में एयर है तो म्यू क्या होगा वन, अगर सपोज लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो मैं आर क्या होगा जीरो, यहाँ पे अगर मैं लाइट को नॉर्मली इस पे इंसिडेंस करूँ तो आर जीरो हो जाएगा। ठीक है तो ये मुझे पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टू, म्यू तो वन हो गया, टेन अल्फा को लिख सकता हूँ मैं साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे आर में जीरो पुट करो तो क्या बचेगा कॉस अल्फा। सो आप फ्रेंड्स देखेंगे ये कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, बचा क्या लैम्बडा अपॉन टू साइन अल्फा। तो अगर ये अल्फा बहुत ही स्मॉल है, अल्फा इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल तो साइन अल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा अल्फा के, वेयर अल्फा इज मेजर्ड इन रेडियन। मुझे लगा आप समझ रहे फ्रेंड्स, अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो साइन अल्फा अप्रॉक्सीमेटली अल्फा की इक्वल होता है, मुझे लगता है आप सबको ये पता ही होगा। सो इसलिए साइन अल्फा की जगह मैं अल्फा पुट कर सकता हूँ और मुझे फाइनली बीटा का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा लैम्बडा अपॉन टू अल्फा। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने स्पेशल केसेस लिए ना कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, अल्फा बहुत स्मॉल है, म्यू वन है, तो इसमें से भी आपको कुछ एग्जाम में दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो बताइए फ्रिंज विड्थ क्या होगा। ठीक सो आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, फिलहाल मैंने आपको मेन एक्सप्रेशन बताया फिर उसके स्पेशल केसेस बताए, तो मुझे लग रहा है आप ये बेहतरीन तरीके से समझ गए। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को।